नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सतनाम डांग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे। मैं आपको कक्षा 5 का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। यह हमारा हिंदी विषय का प्रथम ऑनलाइन क्लास है। हमारा प्रथम पाठ है पाठ 1 यातायात। यह चित्रपाठ, यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी कि चित्रों द्वारा तैयार किया गया पाठ। यातायात, तो यातायात क्या है? जिस साधन पर बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह मुसाफरी करते हैं, उस साधनों को यातायात के साधन कहते हैं। जैसे कि रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार आदि यातायात के साधन है। इन्हीं यातायात के साधनों की वजह से विश्व एक परिवार बन गया है और इंसान कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकता है। हमारे इस चित्रपाठ में यातायात में एक बगीचे का चित्र दिया गया है। इस बगीचे के चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कई रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जैसे कि गुलाब, मोगरा, चंपा, गुड़हल आदि रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इन्हीं फूलों की वजह से बगीचा और भी सुंदर लग रहा है। और इस चित्र में यातायात के कितने साधन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोटर कार, स्कूटर आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। यह यातायात के साधन अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि दो पहियों वाले यातायात के साधन, तीन पहियों वाले यातायात के साधन, चार पहियों वाले यातायात के साधन और चार से अधिक पहियों वाले यातायात के साधन। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि दो पहियों वाले यातायात के साधन। तो जिस साधनों में हम दो पहिये देखेंगे, वह साधन दो पहियों वाले यातायात का साधन होगा, जैसे कि साइकिल और स्कूटर। साइकिल और स्कूटर दोनों में दो पहिये दिखते हैं, इसीलिए हम उनका समावेश दो पहियों वाले यातायात के साधन में करेंगे। तीन पहियों वाले यातायात के साधन, रिक्शा, उसका समावेश हम तीन पहिये वाले यातायात के साधन में करेंगे। चार पहिये वाले यातायात के साधन, तो मोटर कार और ऊंट गाड़ी, इनका समावेश हम चार पहिये वाले यातायात के साधन में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, चार से अधिक पहिये वाले यातायात के साधन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बस और रेल। इन दोनों यातायात के साधनों में चार से अधिक पहिये देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका समावेश हम चार से अधिक पहियों वाले यातायात के साधन में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें सबसे पहले ये तय करना है कि हमें किस जगह पर जाना है और कौन से यातायात के साधन का उपयोग करना है। जैसे कि हमें नज़दीकी कहीं जाना है तो हम पैदल ही जा सकते हैं। हमें कुछ दूरी पर जाना है तो हम साइकिल, रिक्शा या मोटर कार का उपयोग कर सकते हैं। पर हमारा अंतर कुछ ज़्यादा है, कुछ घंटों का है, तो हम रेल या हवाई जहाज यातायात साधन का उपयोग कर सकते हैं। ये आप विद्यार्थी मित्रों, तुम खुद ही बताओ कि जैसे कि तुम्हें अपने मामा के घर जाना है तो तुम किस प्रकार से जाओगे। अगर तुम्हें अपने मामा के घर जाना है तो अगर वो घर नज़दीक है तो तुम पैदल ही चले जाओगे। पर अगर कुछ दूरी पर है तो तुम साइकिल या स्कूटर का उपयोग कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे मामा का घर कुछ घंटे दूर है, कुछ घंटों का अंतर है, तो तुम ट्रेन या तो फिर हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हो। यह यातायात के साधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह यातायात के साधन तीन प्रकार के पाए जाते हैं। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो सबसे पहला है सड़क पर चलने वाले यातायात का साधन। जिस यातायात के साधन की मदद से हम सड़क मार्ग पर मुसाफरी कर सके, उस साधन को हम सड़क पर चलने वाले यातायात का साधन कहेंगे, जैसे कि साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, मोटर कार। यह सब यातायात के साधन जो हम दैनिक उपयोग में करते हैं, ज़्यादातर इसका दैनिक उपयोग करते हैं, इन सब का समावेश हम सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के अंदर करेंगे। दूसरा है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। जिस यातायात के साधन की मदद से हम हवाई मार्ग का व्यवहार कर सकते हैं, हवाई मार्ग का सफर कर सकते हैं, उस साधन को हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कहेगी, जैसे कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। अब अंतिम है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। जिस यातायात के साधन की मदद से हम जल मुसाफरी कर सकते हैं, उन साधनों को पानी में चलने वाले यातायात के साधन कहेगी, जैसे कि नाव और जहाज। विद्यार्थी मित्रों, हम जब रिक्शा या मोटर गाड़ी किसी की भी मुसाफरी करते हैं तो हम पैसे देते हैं, पर रेल या ट्रेन की रेल या फिर बस की मुसाफरी करनी हो तो हमें टिकट लेना पड़ता है। जैसे कि हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यह चित्र, एक चित्र रेल का है और दूसरा चित्र बस का है। अब इस चित्र को देखकर हम प्रश्न की उत्तर की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, यह क्या है?
तो विद्यार्थी मित्रों ये देख सकते हो कि यह एक रेलवे का टिकट है और एक बस का टिकट है। दूसरा प्रश्न है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों, बस का टिकट हाडाट से चिलोड़ा तक जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। हमारा चौथा प्रश्न है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। पांचवा प्रश्न है, रेलवे के टिकट का पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का टिकट का किराया 204 रुपये है। छठा प्रश्न है, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए, दिनांक यानी कि तारीख। तो रेलवे के टिकट का दिनांक है 11/11/2011। हमारा अंतिम प्रश्न है, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? हम टिकट देते हैं तो बस और रेल में देते हैं, और कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो हवाई जहाज और दरियाई जहाज, ये दोनों जगहों पर भी हमें टिकट देना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यातायात के साधनों में मैंने आपको जो भी समझौती दी है वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।